So, dear students, before we start, let me check how much you grasped in your last class. I'm asking you a simple question. Let me see who answers it. Can anybody tell me how can we classify objects optically? How can we classify objects optically? Anybody answer? What are the types of objects optically? Optically means from the angle of light. Anybody please raise your right hand if you know the answer. Students, that's Okay, bete. Acha, let me ask specifically. I have been told there is a student, Jaskirat, in 7th A. Jaskirat. बेटे सेवंथ है. हाँ यस यस. कैन यू प्लीज टेल मी बेटे, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. हाउ कैन यू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली? यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिशा इफ इट इफ शी इज देयर. दिशा, जसकीरत, डिस्कस म्यूचुअली एंड ट्राई टू आंसर मी. शाबाश शाबाश. दोनों बच्चे आपस में सलाह करो और बताने की कोशिश करो कि सर ने पूछा है लाइट के एंगल से दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे बांटा जा सकता है, कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है. रैंडम ओके, नाउ एनीबॉडी एनीबॉडी इन एनी सेक्शन कैन रैंडम आंसर दिस क्वेश्चन. ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट ओपेक वेरी गुड. हु आंसर्ड इट? हु आंसर्ड इट? राजवीर सिंह. राजवीर सिंह फ्रॉम 7th बी. वेरी नाइस. प्लीज टेक योर सीट बेटे. जसकीरत और दिशा टेक योर सीट. यस, सो जसकीरत इज वेरी करेक्ट. शाबाश, क्लैपिंग फॉर यू बेटे. और लेट मी एडमिट एन अनदर सेक्शन. या सो ऑप्टिकली फ्रॉम दी, एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन. ऑप्टिकली फ्रॉम दी एंगल ऑफ लाइट, फ्रॉम द एंगल ऑफ पासेज ऑफ लाइट, फ्रॉम द एंगल ऑफ पासेज ऑफ लाइट कॉमा ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज. शाबाश. ओ टी टी, ओ टी टी, मेमोरी टूर. फर्स्ट कैटेगरी इज ओपेक. ओपेक, ओ स्टैंड्स फॉर ओपेक बेटे. ओपेक राइट डाउन. ओपेक कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती. जैसे मेरे पास ये बुक है बेटे, ये बुक है. अगर मैं यहां से टॉर्च को ऑन करूं तो क्या लाइट इसके इस तरफ चले जाएगी? लुक हियर, लुक एट द एक्टिविटीज. आई हैव द लेजर बीम सोर्स, आई एम स्विचिंग इट ऑन. लुक हियर. तो लेजर बीम बुक के पार तो बुक के ऊपर पड़ रही है सरफेस. क्या ये इसके इस तरफ दिख रही है आपको? नहीं दिख रही. यस और नो? क्या ये आपको इस तरफ नहीं दिख रही है बुक के लेजर बीम? नहीं दिख, जबकि इस तरफ पड़ रही है. तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ओपेक. कोई और बच्चा ओपेक की एग्जांपल दे सकता है मेरे को? लकड़ी का टेबल क्या होएगा, ओपेक या नॉन ओपेक? सर ओपेक
शाबाश, एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन। ओपेक, ओपेक इज, लिखो, ओपेक इज दैट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, दैट इज योर ओपेक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टी। टी इज व्हाट? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। अच्छा एक बच्चा बताओ मेरे को, अगर कोई यहां पर कांच का गिलास पड़ा हो, कांच का गिलास, और मैं यहां से लाइट थ्रो करूं, क्या मेरे को इधर लाइट दिखेगी? यस और नो? सर यस यस, यस लुक हियर, आई हैव द ग्लास। सारे बच्चे देखो, हम एक्टिविटीज के साथ पढ़ेंगे बेटे। और आई हैव द लेजर बीम, जैसे ही मैंने इसको ऐसे ऑन करा तो इसके आर पार आपको लाइट दिखेगा। यस और नो? दिख रहा बेटे है? ओके, तो इसका मतलब है ये ग्लास जो है इसमें से लाइट आर पार जा रही है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और अगर गिलास में बिल्कुल साफ पानी डाल दूं, बेटे आपस में बातचीत नहीं करनी, शाबाश, मैं, मेरे को सारे बच्चे दिख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, देख लो, और उसमें पानी डाल दें तो भी लाइट निकलेगी अगर बिल्कुल साफ पानी डालें। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट और वाटर, ग्लास शीट और वाटर दोनों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल हुई। लिख दो, ट्रांसपेरेंट मीन्स लाइट कैन पास थ्रू वेरी एफिशिएंटली, लाइट कैन पास थ्रू वेरी एफिशिएंटली। ओके, तो इसमें टीचर ने क्या एग्जांपल दिया अपने बच्चे को? ग्लास। और क्या एग्जांपल दिया? ग्लास का शीट भी हो सकता है। ओके, नॉट ओनली टम्बलर। सेकंड इज वाटर, क्लीन वाटर। और ओपेक का क्या एग्जांपल दिया था बेटे? बुक। और क्या एग्जांपल दिया था? वुडन टेबल। थर्ड वन इज जसकीरत के बिना कोई बच्चा बताएगा थर्ड कैटेगरी टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टी स्टैंड, ट्रांसल्यूसेंट। वेरी गुड, शाबाश, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा रहा है। क्लैपिंग फॉर माय स्टूडेंट्स। सो दिस टी इज इक्वल टू ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसलूसेंट बेटे हैं इन दोनों के बीच में कह सकते हो आप, यानी उसमें से लाइट पास करेगी, उसमें से लाइट पास करेगी तो सही, लेकिन वेरी एफिशिएंटली नहीं पास करेगी। कुछ पोर्शन पास कर सकेगा, कुछ पोर्शन नहीं पास कर सकेगा। जानते हो ये जो पेपर है, पेपर अगर मैं इसके ऊपर लाइट थ्रो करूं तो इसका लेजर इस तरफ भी दिखता है आपको। देखो, दिख रहा है बेटे आपको? थोड़ा बहुत डॉट दिख रहा है कागज पे रेड कलर का, यस जबकि इधर ज्यादा है, इधर गाढ़ा है, इधर डेंस है रेड स्पॉट, और इधर थोड़ा बहुत दिख रहा है। इसका मतलब है इस कागज की शीट में से लाइट जा तो रही है, पार दिख रही है, तभी तो हमें इधर डॉट दिख रहा है। पर क्योंकि जितना गाढ़ा निशान इधर था लाइट का फ्रंट साइड पे, उतना बैक साइड पे नहीं दिखा, उससे डिम दिखा। दैट इज व्हाई वी कैन से
लाइट इज पासिंग थ्रू दिस पीस ऑफ पेपर बट नॉट वेरी एफिशिएंटली, इट इज पार्शली पासिंग, कुछ हिस्सा पास हो रहा है कुछ रुक जा रहा है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, राइट डाउन, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट, शाबाश, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू पार्शली, लाइट कैन पास थ्रू पार्शली। लाइट कैन पास थ्रू पार्शली, शाबाश। अब आज के बाद आपसे कोई पूछे ओटीटी साइंस स्टूडेंट की नजर से, कलर ओटीटी, ओटीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया बेटे? थ्री कैटेगरीज, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। अच्छा, एक टेलीविजन लाइन में भी ओटीटी होता है, उसका क्या मतलब होता है? देखें, मीडिया लाइन में केबल टीवी ट्रांसमिशन होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम देखे हैं? नहीं पता अभी, चलो देखना आप जाकर या अपने मैम से पूछ लें। ओटीटी की प्लेटफॉर्म आ रहे हैं आजकल, नेटफ्लिक्स पे जो प्रोग्राम आते हैं, जो नेटफ्लिक्स पे प्रोग्राम आते हैं वो ओटीटी होता है, लेकिन वहां पर ओटीटी का मतलब कुछ और है, कल मैं आपसे पूछूंगा उसका मतलब। लेकिन हम उस वर्ड से इस वर्ड को याद रख सकते हैं एज ए मेमोरी टूल, ओटीटी, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। अब मेरे को कोई बच्चा बता सकता है कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की कोई और एग्जांपल बता सकते हो बेटे? देखें किसका ब्रेन अच्छा है। बटर पेपर, वाटर पेपर, शाबाश। देखो ये कौन से बच्चे ने बताया एग्जाम से, हु इज द, व्हाट इज द नेम, शाबाश इस बच्चे को। देखो बाय चांस इस बच्चे ने बटर पेपर बोला और मैंने बटर पेपर ही एग्जाम्पल के रूप में आपके बोला रखा हुआ है टेबल पे। एक्टिविटीज करके देखिए, मेरे हाथ में लेजर बीम और मैं इसके ऊपर थ्रो करता हूं, एक मिनट फिर से देखते हैं, ये देखो शार्प स्पॉट, लेकिन बटर पेपर के उस तरफ भी आपको रेड स्पॉट दिख रहा है, पर उतना डेंस नहीं दिख रहा जितना फ्रंट पे दिख रहा है। एक बार फिर से देखो बेटे, अगर हम उनको तो सिंगल लेयर कर दें, सिंगल लेयर कर दें बटर पेपर की, टिश्यू पेपर की, नैपकिन की, तब भी ये इतना शार्प नहीं दिखेगा उधर डॉट स्पॉट जितना फ्रंट पे दिख रहा है, पार्शली लाइट जा रही है, पार्शली। तो लिखो, एक और लिख दो एग्जांपल, बटर पेपर इज ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, बटर पेपर या टिश्यू पेपर इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा बेटे एक बात बताओ, अगर ये शीट में, ये वाली शीट, इसको डबल कर दूं या ट्रिपल कर दूं, ट्रिपल जोड़ दूं, तीन कागज जोड़ दूं, तो क्या इसमें से लाइट पास होएगी? नहीं होएगी। तो जब ट्रांसलूसेंट पेपर्स की लेयर्स को हम जोड़ते जाएंगे तो वो ओपेक बन जाएगा। मैं काफी सारे टिश्यू पेपर ले लूंगा तो इनकी ट्रांसलूसेंसी कम हो जाएगी। देखो अभी मैंने इस पे रेड स्पॉट फेंका तो इधर बहुत कम आ गया, वेरी डिम, बिकॉज मेरे पास बटर पेपर की 8 लेयर्स है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, अगर ट्रांसलूसेंट पेपर की लेयर्स को आपस में जोड़ते जाएं तो आखिर में वो ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें से लाइट नहीं पास होगी। लिखो एक बार, When multiple sheets of translucent, when multiple sheets of translucent object
शाबाश एवरीबॉडी. व्हेन मल्टीपल शीट्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट टुगेदर, द ज्वाइंट टुगेदर शाबाश कॉमा द थिक यूनिट नाउ विल बिकम ओपेक ऑब्जेक्ट. द थिक यूनिट नाउ विल बिकम ओपेक ऑब्जेक्ट. अच्छा मैं लेट मी चेक, मैं देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा मेरे को सरसों के तेल की इंग्लिश बताता है. शाबाश. सेवंथ बी में हरबीर जस्मीन. सेवंथ बी हरबीर जस्मीन, क्या आप में से कोई बता सकता है सरसों के तेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शाबाश. स्पीक आउट. व्हाट? हाँ जी बेटे. वंस अगेन प्लीज. ओके बैठो, आवाज आपका माइक खराब है शायद. ओके सेवंथ. स्पीड हाँ, बैठो बैठो. वेरी गुड, करेक्ट. तो इस बच्चे ने बताया मेरे को मस्टर्ड ऑयल. वेरी गुड, शाबाश. लेकिन मैंने ये अपने बच्चों से क्यों पूछा, ध्यान से सुनो. अगर मेरे पास ये कागज का शीट है और मैं इसको सरसों के तेल में डिप कर दूं, मस्टर्ड ऑयल में, उसके अंदर 5 मिनट पड़ा रहने दूं, फिर ये निकालूंगा, तो इसमें लाइट पहले के मुकाबले ज्यादा जाने लगेगी. बैठो बेटे, टेक योर सीट. तो इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी ट्रांसलूसेंट पेपर को या ज्यादा ट्रांसलूसेंट बना सकते हैं, या अगर मोटी कागज की शीट ले लें जिसके आर पार कागज नहीं जा सकता, जैसे चार्ट पेपर व्हाइट कलर का, उसको सरसों के तेल में डिप करके निकालेंगे तो थोड़ी बहुत लाइट निकलने लगेगी. यानी कि मस्टर्ड ऑयल के ऑब्जेक्ट, मस्टर्ड ऑयल में कोई ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को डाल के निकालेंगे तो वो ज्यादा ट्रांसलूसेंट बन जाएगा. लिख लो एग्जाम्पल. अ थिक शीट ऑफ व्हाइट पेपर. शाबाश. अ थिक शीट ऑफ, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट बना बना के लिखो सारे पॉइंट अलग अलग, 1 2 3 4 ऐसे. अ थिक शीट ऑफ व्हाइट पेपर कैन बिकम ट्रांसलूसेंट, कैन बिकम ट्रांसलूसेंट इफ इट इज डिप्ड इन द मस्टर्ड ऑयल एंड पुल्ड आउट. इफ इट इज डिप्ड इन द मस्टर्ड ऑयल एंड पुल्ड आउट. अच्छा बेटे, अब मेरे को कोई बच्चा बताएगा. शाबाश, देखते हैं किसकी इंग्लिश अच्छी है. अगर ओपेक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बताना हो कि ये वाली किसी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी, ये गुण कि वो अपने अंदर से लाइट को जाने नहीं देता, पास थ्रू नहीं होने देता, उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? इसी से रलता मिलता वर्ड है. शाबाश शाबाश. सेवंथ बी में एक बच्चा, रेज योर हैंड. शाबाश. स्पीक आउट बेटे, स्पीक आउट. इंग्लिश अच्छी होगी तो बता पाएगा बेटे. दोबारा से बोलो, नहीं सुना. माइक शायद प्रॉब्लम है. आर यू सेइंग ओपेसिटी? देखो अपना माइक ऑन भी है बेटे आपका. फिर से बोलो. माइक सेवंथ बी में माइक ऑफ है बेटे आपका. सेवंथ. हाँ, अब बोलो, अब बोलो. रिफ्लेक्शन नहीं बेटे, गड़बड़ हो गया. बैठो बैठो बैठो. इसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ओपेसिटी. लिख दो प्रॉपर्टी का क्या नाम हो गया बेटे, ओपेसिटी. एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन. ओपेसिटी मैंने लिखा बोर्ड पे. ये क्या होता है बच्चे, ओपेसिटी?
पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब कोई चीज में से लाइट निकलने के गुण को बोलते हैं। अगुण को, ना गुण को, अपारदर्शिता। पारदर्शिता का अपोजिट अपारदर्शिता, जिसमें लाइट को रोक पाने के गुण को ऑब्जेक्ट के द्वारा। अच्छा, ट्रांसपेरेंट से ऐसे ही कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? पारदर्शिता की इंग्लिश क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट से कौन सा वर्ड बनना चाहिए ऐसे ही प्रॉपर्टी के लिए? एनीबॉडी? हाँ बेटे, एकम बताएगी 7e में? ट्रांसपेरेंसी। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। राइट डाउन उससे रिलेटेड वर्ड क्या है, लिखो एवरीबॉडी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, एवरीबॉडी राइट डाउन, ट्रांसपेरेंसी। इसी तरह से कोई बच्चा बताएगा ट्रांसलूसेंट से क्या प्रॉपर्टी बनेगी? एवरीबॉडी, कोई भी बच्चा कोई कॉन्फिडेंट हो? नो वन? ट्रांसलूसेंसी ट्रांसलूसेंसी लिख लो, ट्रांसलूसेंसी। प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसलूसेंट, ऑब्जेक्ट का नाम ट्रांस, ये प्रॉपर्टी है, याद रहे। ट्रांसपेरेंसी भी प्रॉपर्टी है। जिन बच्चों को पहला टॉपिक अच्छे से समझ आया वो प्लीज रेज योर बोथ हैंड्स। शाबाश, गिव मी एन इंडिकेशन। देखो सेवंथ, सेवंथ डी नहीं मेरे को बता रहा, दोनों को समझ आ गया। गुड, डाउन डाउन डाउन। सेवंथ डी वाले बच्चे माइक ऑन करो, आपका ऑफ है। सेवंथ डी वाले, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक। उसके लिए हम उस टॉपिक का नाम लिखने से पहले हम कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे टीचर का हाथ। ओके, मेरे पास ये क्या बना हुआ बेटे? ये हॉलो पाइप है चार्ट का। चार्ट का मैंने हॉलो पाइप बना रखा है बस। और ये क्या है मेरे हाथ में? व्हाइट शीट है, व्हाइट शीट बना रखी है, एज ए स्क्रीन बना रखा है मैंने। और ये क्या बेटे? लेजर बीम। इससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको, और आगे चलते हैं, पहले इसको हम दिखाते हैं। देखो सबसे पहले आप इधर आओ, ये देखो, आप देखो मैंने आपको स्क्रीन पे, स्लाइड पे क्या दिखा रखा है। ये एक कमरे की फोटो है, इसमें थोड़ी थोड़ी विंडोज दिख रही है, इसमें प्रॉपर विंडो दिख रही है लाइट, और टेबल भी दिख रहा है। आप मेरे को बता सकते हो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो कौन कौन सी थ्री रिक्वायरमेंट्स चाहिए? इफ वी वॉन्ट टू सी एन ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द थ्री प्री रिक्विजिट्स, थ्री रिक्वायरमेंट्स, उसके बिना वाइट आप। स्क्रीन ऑब्जेक्ट। शाबाश, किसने बताया, किसने बताया? सेवंथ सेवन ही। आई वुड लाइक टू नो योर नेम बेटे, व्हाट इज योर नेम? परमप्रीत। तरनप्रीत। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपका नाम भी है मेरे पास, सेवन ई, परमप्रीत, वेरी नाइस। सो इस बच्चे ने बताया वी रिक्वायर थ्री थिंग्स। पहले तो वो ऑब्जेक्ट खुद होना चाहिए जिसको हम देखना चाहते हैं। और क्या अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रॉड है, पाइप है, इसको क्या कोई अंधा बंदा देख सकता है, ब्लाइंड पर्सन देख सकता है? नो, इसका मतलब आंख होनी चाहिए, हेल्दी हेल्दी आंख।
राइट। और तीसरी बात, अगर मेरे पास आंख भी है और ये पाइप भी है, मैं बिल्कुल अंधेरे कमरे में चला जाऊं, बिल्कुल अंधेरे, पिच डार्क, पिच डार्क, क्या मैं इस पाइप को ऐसे हाथ में पकड़ने के बावजूद भी देख पाऊंगा? नो। इसका मतलब ये हुआ, एक थर्ड रिक्वायरमेंट भी है, वो है लाइट। लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी, फिर उसके बाद टकराने के बाद मेरी आंखों में आएगी, तब मेरे को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसका मतलब थ्री रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, आई, ह्यूमन आई, एंड थर्ड वन इज व्हाट, लाइट का प्रेजेंस होना। इसीलिए हमें ये डार्क रूम में विंडोज नहीं दिखाई दी, या बहुत कम दिखाई थोड़ी लाइट की वजह से। यहाँ अच्छी सनलाइट आ रही है तो प्रॉपर टेबल भी दिख रहा है, विंडो भी दिख रही है। तो लिखो एवरीबॉडी, टू व्यू एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर थ्री थिंग्स। शाबाश एवरीबॉडी, प्लीज राइट डाउन एज फास्ट एज पॉसिबल। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर थ्री थिंग्स। नंबर वन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, नंबर वन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, नंबर टू हेल्दी आई, हेल्दी आई, ऐसी आंख जिसमें चोट ना लगी हो उसको दिखाई देता हो, हेल्दी आई, और थर्ड वन प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, हेल्दी आई, थर्ड वन प्रेजेंस ऑफ दी लाइट फॉलिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें हमें दिखती हैं बेटे, तीन चीजें हमें देखने में मदद करती हैं, राइट। एक और चीज देखो, फोटो ये देखो आप, प्रॉपर सनलाइट में, जब पूरा सनलाइट होता है हमें क्लाउड्स, ग्रीनरी, हिल्स सो ब्यूटीफुली दिखते हैं। क्यों? बेटर द लाइट बेटर द विजन, ज्यादा ब्राइट लाइट में हमें देखेंगे तो ये दिखेगा, है ना। मून लाइट में उतना अच्छा नहीं दिखेगा, सनलाइट में कितना प्रॉपर दिखेगा, कितना हम कई बार हिली एरिया में जाते हैं कितना एंजॉय करते हैं। गए हो आप? कौन कौन सा बच्चा शिमला ऊटी गया है, टूरिस्ट प्लेस, एनी टूरिस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, कौन कौन सा बच्चा गया है, रेज योर हैंड। अरे सेवंथ जी में से बहुत बच्चे गए हैं भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। और कौन सी हिल स्टेट है हमारे देश में, उत्तरांचल। और कौन सी फुल ऑफ ग्रीनरी स्टेट है, कश्मीर। और कौन सी फुल ऑफ ग्रीनरी स्टेट है, त्रिपुरा। और कौन सी, असम। तो इन जगह पर आपको छुट्टियों में पेरेंट्स के साथ कभी कभी जाना चाहिए। ओके, तो व्हाट वी, लेट्स गो बैक टू अवर लेक्चर। ब्राइट द लाइट, ब्राइट इज द विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट बेटे। एक और देखो, ये देखो मैंने आपको क्या दिखाया, कौन बच्चा बताएगा टीचर यहां क्या दिखाना चाहता है, एनीबॉडी। शाबाश, इन दिस पिक्चर व्हाट आई वांट टू शो इन दीज थ्री फोटोज, नमन, नमन फ्रॉम सेवंथ जी, कैन यू टेल, पारुल फ्रॉम सेवंथ ई, नहीं बोल रहे हैं। और सेवंथ डी में से जानवीर, नहीं बोल पा रहे। ये देखो बेटे, इस पर्टिकुलर फोटो में मैं ऐसा शीट लगा रखा है, व्हाइट शीट, जिसके आर पार ये बच्चा बिल्कुल नहीं देख पा रहा। ये क्या है, ऐसा बाथरूम के बाहर कभी कभी हमने शीशा लगा हुआ देखा है, या किसी किसी ऑफिस के रिसेप्शन में देखा है। हमें ऐसे तो पता लगता है कि बंदे अंदर है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि कौन खड़ा है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और पहले वाला बिल्कुल व्हाइट लकड़ी का शीट लगा दिया, सनमाइका लगा दिया, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ये कौन सा हो गया बेटे, ओपेक। और अब ये थर्ड वन कौन सा, ऐसे विंडो से बाहर गार्डन दिख रहा है, वेरी एक ऑब्जेक्ट गुड, ट्रांसपेरेंस।
सो हेयर इट इज ओपेसिटी प्रॉपर्टी, यहां पर ट्रांसलूसेंसी, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी बोलो? ट्रांसपेरेंसी। शाबाश, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी, ओपेसिटी। ऑब्जेक्ट कौन सा? ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। गॉट इट? अब हम बात करेंगे अगले चीज की, जिसके लिए हम ये पहले एक्टिविटी करेंगे। मेरे पास ये पाइप है और ये मेरे पास व्हाइट शीट है बेटे, और ये मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है लेजर बीम। अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट से इस व्हाइट स्क्रीन के ऊपर लाइट फेंकूं तो फर्स्ट क्लास डॉट दिखता है आपको। देखो डॉट दिख रहा है आपको? यस सर दिखेगा ही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं पाइप में से इसको फेंकूं, पाइप में, पाइप के थ्रू लाइट फेंकूं तो मेरे को दिखेगा या नहीं दिखेगा? तो मैं इसके लिए अपने असिस्टेंट को बुलाता हूं ताकि वो शीट को पकड़ सके। आना यादव जी प्लीज इधर इधर आ जाइए। आप इस शीट को यहां से ऐसे पकड़िए, मैं बच्चों को एक्टिविटी करके दिखाना चाहता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे। ये देखो बेटे, ये शीट भी दिख रहा है आपको? थोड़ा सा इधर करिए। शीट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और ये पाइप दिख रहा है? दिख रहा है। और ये मैं लेजर बीम देखते हैं, इसको लेजर बीम इस पाइप में से जा पाती है कि नहीं? पड़ रही है लाइट बेटे? यस या नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी पाइप में से लाइट गुजर सकती, गुजर सकी, पास हो सकी, क्योंकि इस लाइट को बिल्कुल सीधा रास्ता मिल गया, सीधा। पर अगर मैं इस पाइप को मोड़ दूं, मोड़ दूं, ऐसे बेंड कर दूं, या इस पाइप के रास्ते में एक और पाइप लगा दूं, ऐसे टेढ़ा कर दूं। देखो यहां से सेंटर से मैंने टेढ़ा कर दिया। अब रखो शीट, देखते हैं अब पहुंचता है। एक मिनट, यहाँ पे ऐसे रखिए आप, मैंने बच्चे को दिखना भी तो चाहिए। यहाँ रखिए, ठीक है? ये मैंने बेटे पाइप को टेढ़ा कर दिया। अब मैं इधर से लेजर बीम थ्रो करने लगा हूं, देखते हैं पहुंचती है या नहीं। मैंने देखो ऑन कर दिया आपके सामने, हैव यू सीन? ये मैंने ऑन कर दिया लाइट को और मैं पाइप के आगे ले जा रहा हूं। व्हाइट शीट पे कोई भी लाइट नहीं पहुंच पा रही। कोई भी लाइट क्यों पहुंच नहीं पा रही जानते हो क्यों? क्योंकि जहां पर मेरा दूसरा हाथ है, जहां पर मेरा लेफ्ट हैंड है, बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वहां से पाइप मुड़ी हुई। यस, तो एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा बोल दिया बैठिए यादव जी, इसने बहुत अच्छा बोला कि सर सिंपल सी बात है, लाइट सीधे रास्ते से ही जा सकती है, वो अपने आप खुद ब खुद मुड़ नहीं सकती। आपने यहां से पाइप को बेंड कर दिया था इसलिए लाइट व्हाइट शीट पे नहीं पहुंची। अगर आपने इस दोनों पाइपों को आपस में जोड़ा होता लेकिन स्ट्रेट रखा होता ऐसे, तो लाइट पहुंच जाती व्हाइट शीट। आपने मोड़ दिया था, मोड़ने से क्या हो गया? लाइट बेंड, जहां पर मोड़ आया, बेंड आया, वहां से जा नहीं पाई। इसका मतलब हमने ये कंक्लूजन निकाला कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जा पाती है। कौन बच्चा इस प्रॉपर्टी का नाम बताएगा मेरे? शाबाश, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सेवंथ एफ में से इस बार बहुत अच्छा जवाब आया। लिखो सारे बच्चे, शाबाश, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। फॉर माई स्टूडेंट्स आई एम राइटिंग द स्पेलिंग, शाबाश, लुक एट द स्पेलिंग, रेक्टिलिनियर, दीज आर द स्पेलिंग, रेक्टिलिनियर, एवरीबॉडी, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, एडवांसमेंट। दोनों वर्ड बोले इकट्ठे, अकेला रेक्टिलिनियर नहीं बोलना बच्चे, लिखोगे? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट
बिकॉज ऑफ विच वी से, बिकॉज ऑफ विच वी से लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एक बच्चा मेरे को बोलता है सर मिरर रख के तो मुड़ जाएगी। भाई मैं साथ में अभी पूरा सर अपने आप तो नहीं मुड़ी ना। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कॉमा इट कैन नॉट बेंड बाय इटसेल्फ। अगर रास्ते में कोई इसको हेल्प मिलेगी मिरर की किसी की तो रिफ्लेक्शन से मुड़ जाएगी। इट कैन नॉट बेंड बाय इटसेल्फ। मैं फिर से बोलता हूं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ विच वी कैन से लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इट कैन नॉट बेंड बाय इटसेल्फ। ओके अब हम इसके ऊपर अगली देखो ट्रांसपेरेंसी मैंने क्या दिखा रखी है स्लाइड्स। ये देखो ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के ऊपर हमने पाइप का भी एक्सपेरिमेंट भी करा उसी के ऊपर हमारी ये तीन ऑब्जर्वेशंस होती हैं लाइट शैडो की एक्लिप्स पिन होल कैमरा। कौन बच्चा मेरे को बताएगा शैडो शैडो क्या होता है बेटे शैडो क्या होता है एनीबॉडी। ये शैडो ओपेक ऑब्जेक्ट्स की होती है। लेट्स डिस्कस इट। ध्यान से देखो मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट शीट है ओके और ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट सॉरी व्हाइट शीट है एज ए स्क्रीन और ये मेरे पास माउस है कंप्यूटर का एन ओपेक ऑब्जेक्ट ओपेक यहां रखूंगा और इधर से अगर मैं लाइट फेंकता हूं बहुत सॉरी स्ट्रेट बीम तब इस माउस का शेडो यहां पर पड़ेगा माउस का शेडो यहां पर पड़ेगा ओके। इसी तरह से अगर मैं ये सीजर है सीजर को इसके आगे रखूंगा तो शेडो पड़ेगा। एक बच्चा मेरे को बोलता है सर कैसे शेडो पड़ रहा है देखो आपके पास लाइट तो आ ही रही है ये व्हाइट स्क्रीन भी है और ऑब्जेक्ट भी रख दिया आपने शेडो दिख तो रहा नहीं। इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो शेडो डिम हो गया साइडों से लाइट आ रही है। अगर इसी सीजर को मैं व्हाइट शीट के नजदीक ले जाऊंगा तो स्ट्रेट लाइट से आने वाली लाइटों का रास्ता रुकेगा तो शेडो क्लियर हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको ध्यान से देखना अभी मैं सीजर को पास लेके जाऊंगा तो शेडो दिखने लगेगा। हैव यू नोटिस्ड बेटे शैडो दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। हाँ तो शैडो दिखता कहाँ पर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा व्हाइट शीट के सामने इधर से सोर्स ऑफ लाइट ऑन करा सोर्स ऑफ लाइट की जो लाइट आ रही है रेडिएशंस आ रही हैं उसके रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट आया उस ओपेक ऑब्जेक्ट ने लाइट को व्हाइट शीट पे पहुंचने नहीं दिया। जितनी जगह पर लाइट नहीं पहुंचेगी वो शेडो होती है। गॉट इट। देखो क्या लिखा टीचर ने व्हेन लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए ओपेक द लाइट रेज आर स्टॉप्ड एंड ए शेडो इज क्रिएटेड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया शेडो बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। एक्लिप्स का क्या मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं एक्लिप्स को एनीबॉडी हाँ शाबाश। एक्लिप्स की दो टाइप्स पढ़ते हैं हम कौन कौन सी होती हैं कोई बता सकता है। एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स वेरी गुड एक बच्चे के लिए क्लैप बेटे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा था। कौन सा बच्चा था योर गुड नेम कौन सा बच्चे थे बेटे नाम तो पता नाम बताना पड़ेगा इतना बढ़िया आंसर दिया। ल्यूनर एक्लिप्स एंड विच बेटे सोलर एक्लिप्स। ल्यूनर एंड सोलर दो तरह के एक्लिप्स बताया टीचर एक बताया ल्यूनर ल्यूनर एक्लिप्स इसका मतलब होता है चंद्र ग्रहण
सेकंड बताया टीचर ने सोलर एक्लिप्स। यहां पर टीचर ने सोलर एक्लिप्स देखा। ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स द मून ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम द सन क्रिएटिंग ए शेडो ऑन अर्थ। ड्यूरिंग ल्यूनर एक्लिप्स अर्थ ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम द सन क्रिएटिंग ए शेडो ऑन द मून। इसका मीनिंग समझाता हूं। देखो ये बच्चे ना भूल जाते हैं कौन किसकी शेडो पे डालता है। अब इसका मेमोरी टूल बता रहे हैं टीचर आपको, ध्यान से सुनना। मान लो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, जैसे कि टेनिस का सबसे बड़ा प्लेयर है रोजर फेडरर, या क्रिकेट में लगा लो विराट कोहली, ठीक है। अब विराट कोहली जो है, मान लो उसकी जिंदगी में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ जाती है, उसका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार होने लग जा हो गया है, उसकी वजह से वो कुछ दिनों के लिए अच्छा नहीं खेल पा रहा, जितना बढ़िया वो बैट्समैन है अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। तो जानते हो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या आएंगी? परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली इज एक्लिप्स्ड, परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली इज एक्लिप्स्ड बाय डिजीज ऑफ हिज सन। मतलब जो चीज हमें ऐसे सामने दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही। इसका मतलब जब मैं सोलर एक्लिप्स बोल रहा हूं, सोलर एक्लिप्स, तो इसका मतलब क्या, मैं धरती पे खड़ा हूं, मेरे को सूरज अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। तो सूरज को अच्छी तरह से क्यों नहीं दिख रहा? बीच में मून आ जाएगा। जैसे विराट कोहली की परफॉर्मेंस में उसके बच्चे की बीमारी बीच में आ गई, वो टेंशन में रहता था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है आजकल। गॉट इट? उसका बच्चा ठीक हो गया, विराट कोहली फिर से बढ़िया खेलने लग गया। इसी तरह से सन की लाइट मेरे तरफ आ रही थी तो बीच में मून आके खड़ा हो गया, यहां अर्थ यहां मून वहां सन, तो सन मेरे को पूरी तरह से दिखना बंद हो गया, जितना बढ़िया दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा। गॉट इट? तो मैं क्या बोलूंगा, सन इज एक्लिप्स्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मून इन बिटवीन अर्थ एंड सन। जैसे विराट कोहली परफॉर्मेंस इज फॉलन ड्यू टू डिजीज ऑफ हिज सन, पीपल आर नॉट सीइंग द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली। बच्चे की बीमारी बीच में आ गया, विराट कोहली का परफॉर्मेंस दिख ही नहीं रहा। इसी तरह सन नहीं दिख रहा, बीच में क्या आ गया? मून। और मैं कहां पर खड़ा हूं? धरती पे, मेरे को सन अच्छी तरह नहीं दिख रहा, सोलर इक्लिप्स। इसी तरह से ल्यूनर इक्लिप्स क्या होगा? ल्यूनर इक्लिप्स, उसमें मून अच्छी तरह नहीं दिखेगा। गॉट इट? तो बेटे ये होते हैं हमारे पास सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स। ये होता है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, ऐसा एक बॉक्सा बना होता है, उसमें छोटा सा सुराख होता है और उसके बॉक्से की आखिरी शीट में बटर पेपर लगा होता है। अगर हम इस बॉक्से को बिल्कुल सनलाइट में देखेंगे और सामने जो पेड़ बना हुआ है उसका फोटो इस छोटे से सुराख में से निकल के काले रंग के बॉक्स के आखिर में जो बटर पेपर है उसकी बैक साइड से हमें इमेज दिखता है, किसका? ट्री का। ये तीनों के तीनों तभी पॉसिबल है, एक्सप्लेन करने इनकी वर्किंग, अगर हमें रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पता हो। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, इट कास्ट द शेडो ऑफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, एंड लाइट कैन नॉट बेंड बाय इटसेल्फ, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट the three phenomena are very much experienced. This is phenomena shadow, this is eclipse another natural phenomena, and this is our device. Laboratory में हम ये device बना के दिखाते हैं, practical करते हैं बच्चों को, pinhole camera. सभी बच्चे आज जाके कोई net पे video जरूर देखेंगे how to make the pinhole camera. आपको मजा आएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा, क्योंकि मैंने आपका base बना दिया, आपको अच्छा समझ आएगा. Got it बेटे? Yes or no? Yes. Good job. Good job.
अब मैं इससे पहले कि आपको रिफ्लेक्शन बताऊं, मिरर के ऊपर एक बात करना चाहता हूं। मिरर, शाबाश, लेट्स टॉक अबाउट मिरर। कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि अगर मेरे को मिरर बनाना हो, मिरर, तो ये बनाना कैसे होता है? इज देयर एनी बॉडी हु कैन टेल मी हाउ टू मेक द मिरर? शाबाश, एनी बॉडी। लेट मी आस्क बाय स्पेसिफिकली एकम ज्योत सिंह सेवंथ जी, सेवंथ सी में हरसिमरत, सेवंथ ए में केशव, सेवंथ एफ में ईशान, इन चारों बच्चों में से एक भी बच्चा बता सके क्या मिरर कैसे बनाते हैं? हाउ टू मेक इट? बाय द हेल्प ऑफ ग्लास। यस वी टेक। एक बच्चे ने बताया कि सर सबसे पहले हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट ले लेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट। यहां तक बिल्कुल सही है, शाबाश बेटे। आपने बोला ट्रांसपेरेंट, वेरी ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट ले ली, बहुत अच्छे। बताओ और बोलो। ओके, अब मैं बताता हूं। अगर आपने घर में ग्लास शीट को मिरर के लिए यूज करना हो, तो आप इसके बैक साइड पे एल्युमिनियम फॉयल, जिसमें आप खाना पैक करके लाते हो, जो कि साइंटिफिकली नहीं करना चाहिए खाना पैक, कपड़े में ही करना चाहिए, तो आप एल्युमिनियम की शीट इसके साथ चिपका दो, तो दूसरी तरफ से ये मिरर की तरह काम करेगा। अदरवाइज प्रॉपर तरीका क्या है, हमारे पास एक स्प्रे गन होता है बेटे, स्प्रे गन। इसके अंदर हमने एक मेटल का लिक्विड डाला होता है, वहां से हम इसको स्प्रे करते हैं। जैसे ही इसके ट्रिगर को हम दबाते हैं, तो ये बुलेट की तरह यहाँ पर स्प्रे करता है। कौन सी मोटल मोल्टन मेटल हो सकती है बेटे? कौन कौन सी मोल्टन मेटल स्प्रे करते हैं? बहुत सारी कर सकते हैं, अगर चाहें तो सिल्वर कर सकते हैं, Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर। अगर चाहें तो गोल्ड कर सकते हैं, Au इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। अगर चाहें तो निकल कर सकते हैं, अगर चाहें तो क्रोमियम कर सकते हैं, क्रोमियम। ये चार मेटलें मेन यूज होती हैं, सिल्वर, गोल्ड, निकल, क्रोमियम। नेचुरली गोल्ड प्लेट करेंगे तो मिरर महंगा हो जाएगा। ओके, इसकी हमने क्या चीज करी, मोल्टन डालने के बाद क्या चीज करी, स्प्रे पॉलिश, स्प्रे पॉलिश। गॉट इट? स्प्रे पॉलिश करने के बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो भी हमने इसके ऊपर पॉलिश करा वो काफी सालों तक टिका रहे, ट्रांसपेरेंट शीट को पकड़े रखे, गिर ना जाए, उसके लिए भी करना पड़ेगा कुछ। जब ये मेटल का पॉलिश सूख जाएगा, तब इसके ऊपर एक और पेंट करना पड़ता है। हम दूसरी स्प्रे गन लेकर आएंगे, उस स्प्रे गन में ट्रिगर लगाया, सब कुछ लगाया, इसके अंदर हमने लेड ऑक्साइड भरा होता है, लेड कंपाउंड ले लो, चलो ऑरेंज कलर का होता है बेटे ये, ऑरेंज कलर का। लेडीज लोग इसको हिंदी में सिंदूर बोलती हैं, सिंदूर, ठीक है, लेड ऑक्साइड बोलते हैं केमिस्ट्री में। अब इससे दूसरी बार इसकी पेंट कर देंगे, पहले नंबर पर मेटल का पॉलिश, दूसरे नंबर पर लेड ऑक्साइड का पॉलिश। लेड ऑक्साइड का जो पॉलिश है, सभी बच्चे नोट कर लें, ये मिलनी नहीं है इधर उधर आपको किताब चीजें, जब ये भी सूख जाएगा तब ये मिरर हमारे पास रेडी हो जाएगा, और सालों साल ये मेटल का पॉलिश इस ट्रांसपेरेंट शीट को पकड़े रखेगा, गिरेगा नहीं। बाद में हम इसकी साइडों पर यहां पर
वुडन फ्रेमिंग करके और मार्केट में बोलते हैं सर दिस इज मेरा 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 3000, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड डिपेंडिंग अपॉन विच मेटल इज सुप्रीड। तो लेट मी समराइज, लेट मी समराइज, देखते हैं बाद में मैं पूछ के देखूंगा कौन सा बच्चा बताता है। ओके, हाउ टू मेक द मिरर। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द ट्रांसपेरेंट शीट। सेकेंड, इन द स्प्रे गन बॉटल टेक दी मोल्टन सोल्यूशन, पिघला हुआ सोल्यूशन ऑफ द मेटल, एंड मेटल कैन बी सिल्वर, गोल्ड, निकल और क्रोमियम, एनी वन ऑफ द मेटल। थर्ड वन, आफ्टर द मोल्टन मेटल इज ड्राइड अप, नाउ स्प्रे गन द लेड कंपाउंड। लेड कंपाउंड विल सस्टेन, विल रिटेन द मेटल स्प्रे फॉर लॉन्ग ईयर्स, लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स। सो दिस वे आफ्टर फिटिंग द मेड मिरर इन द वुडन फ्रेम इट इज रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट। अब मैं देखना चाहता हूं कौन बच्चा कॉन्फिडेंट है क्लास में जो मेरे को इंग्लिश में बता सके हाउ टू मेक द मिरर। सारी क्लासों में कॉम्पिटिशन, लेट मी सी हु कैन टेल हाउ टू मेक द मिरर इन इंग्लिश। यस यस, रेज योर हैंड्स, कॉम्पिटिशन है, कौन सी क्लास जीतती है। हाउ टू मेक द मिरर, बेटे कंपटीशन इज गोइंग ऑन। सेवन दे बी सी डी, एक बच्चा माइक पर आए फटाफट, जो आ गया और सक्सेसफुली बता गया वो जीत गया। लेट मी चेक योर कॉन्फिडेंट, यहीं से लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं बेटे। श्योर, एक है, कौन एक सेवन थे, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। एक है ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट स्प्रे लिक्विड ऑफ मॉल्टन मटेरियल कंटेनिंग वन ऑफ एनी मेटल्स लाइक सिल्वर, एल्युमिनियम, निकल, क्रोमियम एटसेट्रा, देन आल्सो स्प्रे लीड लेड कंपाउंड लेड ऑक्साइड विच विल रिटेन द मेटल कंपाउंड फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत ही बढ़िया, व्हाट इज योर गुड नेम। सिमरत सिमरत पाल सिंह। पाल सिंह, सिमरत पाल सिंह टुडे हैज मेक द विनर क्लास। विच क्लास, सेवंथ ए, मेरी तरफ से आज विनर क्लास है, स्पेशल क्लैपिंग फॉर सेवंथ ए। तो सब बाकी बच्चों को नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर्स में कंपीट करना होगा। बेटे एक आपसे गलती होगी छोटी सी, सिमरत बेटे, ये सिंबल को गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड, AU, सिर्फ इसको एल्युमिनियम नहीं बोलेंगे, गोल्ड, गोल्ड, AU सिंबल इज ऑफ गोल्ड मेटल, AG इज ऑफ सिल्वर। नोट कर लो, ये लाइफ में कभी ना कभी सिंबल याद करने पड़ेंगे। Ni स्टैंड्स फॉर निकल और Cr स्टैंड्स फॉर क्रोमियम। तो नेक्स्ट क्लास से हम रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे। कितने बच्चों को आज की एक्टिविटीज और क्लास का लेक्चर समझ आया और मजा आया। रेज योर बोथ हैंड्स एंड वेव इट, एंड वेव इट। शाबाश शाबाश, थैंक यू फॉर द रेस्पॉन्स। अब एक मिनी क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ योर टीचर। धीरज वशिष्ठ, कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं आपको। के एजुकेशन, चंडीगढ़ से, ऑनलाइन क्लासेस, गट इट। चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय करो टीचर को, सारे बच्चे प्यारे प्यारे, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।